अरब सागर में सीमा पार से चल रही नशे की तस्करी पर हुई बड़ी कार्रवाई। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात एटीएस के साथ संयुक्त अभियान में गुजरात के तट पर पकड़ी करीब 300 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन। 9 पाकिस्तानी नागरिकों को भी किया गिरफ्तार। नाइजीरिया के रिफाइनरी विस्फोट के संदिग्धों की तलाश जारी। अब तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 100। महाराष्ट्र में भाजपा नेता किरीट सोमैया पर हमले के सिलसिले में भाजपा मुंबई के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में आज गृह सचिव से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में किरीट सोमैया, मिहिर कोटेचा, सुनील राणे और अन्य नेता शामिल हैं। मुलाकात के बाद किरीट सोमैया ने कहा कि गृह सचिव ने आश्वस्त किया है कि स्थिति का हम गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर दिल्ली से एक दल जाँच के लिए मुंबई जाएगा। जिसको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी है, उनको पुलिस स्टेशन के परिसर में पुलिसों के उपस्थिति में उनके सहकार्य से 70-80 शिवसेना के गुंडे उनका जान लेने का प्रयास करते हैं, उसके लिए स्पेशल टीम भेजनी चाहिए। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ी तो यहाँ की टीम भी वहां जाएगी। नमस्कार, मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान नेटवर्क। इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। कलयुग आ गया है, इंसानियत खत्म हो रही है, ऐसी बातें आज के दौर में हर राज्य से सुनाई दे रही है। कलयुग तो महाभारत से शुरू हुआ था, तो इंसानियत किसने खत्म की, आपने या हमने? समाज में अब भी इंसानियत बची है, ऐसी मिसाल आपको और हमको देना है और इस देश को बुलंदी पर ले जाना है। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। बेल आइकॉन को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें और अपने कमेंट जरूर भेजें। जय हिंद। निर्दलीय सांसद और पूर्व साउथ एक्ट्रेस नवनीत राणा इस समय भारी मुश्किलों में फंसी हुई हैं। नवनीत और उनके विधायक पति रवि राणा को रविवार को मुंबई कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दोनों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, जिसके बाद राणा दंपति को जेल की हवा खानी पड़ रही है। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब सांसद नवनीत राणा का नाम विवादों में आया है। इससे पहले भी कई बार उनके नाम के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ चुकी है। नवनीत कौर राणा अमरावती की निर्दलीय सांसद हैं। उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में हिस्सा लिया था, लेकिन राजनीति में कदम रखने से पहले नवनीत तेलुगु सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस थी। नवनीत राणा एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती है। आर्मी ऑफिशियल के घर जन्मी नवनीत राणा को 5 भाषाओं का ज्ञान है। नवनीत तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं। 2014 में राजनीति में आने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली, लेकिन फिल्मों में काम करने के दौरान उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी जिन्होंने हंगामा मचा दिया था। इतना ही नहीं, राजनीति में आने के बाद भी उनके इन तस्वीरों पर बवाल कटा था। जब 2019 में वो अमरावती से एमपी बनी थी तो उस दौरान भी उनकी ये तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसके कारण खूब हंगामा मचा था। दरअसल फिल्मों में काम करने के दौरान नवनीत अपनी बोल्ड इमेज को लेकर चर्चाओं में रहती थी। उनका एक बोल्ड फोटोशूट भी काफी सुर्खियों में रहा था। नवनीत ने साल 2005 में बॉलीवुड फिल्म चेतना दी एक्साइटमेंट की थी, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस पायल रोहतगी भी थी।
इस फिल्म में जमकर एक्ट्रेस ने प्रोवोकेटिव सीन्स किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। इसी फिल्म का फोटोशूट नवनीत के नाम से जुड़ा हुआ है। जब भी उनके विवादों की बात होती है तो उनका ये फोटोशूट भी विवादों की लिस्ट में जरूर आता है। उनके घर में पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलता ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। लेकिन ये बात यहां तक नहीं रुकती है। इल्लीगली उनको अरेस्ट तो किया ही जाता है, इस प्रकार के अलग अलग गुनाह तो लगाए जाते ही हैं। लेकिन अभी अभी जो खबर आई है उनको पुलिस कस्टडी में मिस्ट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। हम तो महाराष्ट्र को पुरोगामी कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे अहंकारी लोग आज सत्ता में हैं कि जो अपने अहंकार के मद में लोकतंत्र को भूलकर, लोकतंत्र को पैरों तले दबाकर, लोकतंत्र को कुचलकर अपना राज चलाना चाहते हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, हम संघर्ष करेंगे, हम डरते नहीं है। आप हमारे जान पर हमला करेंगे तब भी हम आपका भ्रष्टाचार बाहर निकालेंगे। और बहुत स्पष्ट रूप से मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके हमलों को वैसा ही जवाब देना हमको आता है। जिस प्रकार से आप हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप तो पुलिस के भरोसे कर रहे हैं, पुलिस को साथ में लेकर कर रहे हैं, लेकिन हम वैसे ही जवाब देंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं इसलिए हम चुप हैं, लेकिन अगर पुलिस भी सरकार के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेगी तो ये समझ लेना चाहिए कि केरल में और बंगाल में हमारे सैकड़ों लोग मार दिए, फिर भी हमारा आवाज कोई दबा नहीं पाए, हम चुप नहीं बैठे, हम संघर्ष करें। तो महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहां हमारी ताकत भी उतनी है। और इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार इस सरकार की ओर से हो रहा है, ऐसे समय हम गृह मंत्री की बैठक में नहीं जा सकते, इसलिए हम नहीं गए। जहां तक लाउडस्पीकर का सवाल है, हमारी भूमिका स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए। जिस समय पुराने जमाने में हम भी देवी के नवरात्र में रात भर जगराता करते थे, हम भी गणेश जी के समय देर रात तक कार्यक्रम करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब से यह निर्णय दिया कि रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं चलेगा और केवल 15 दिन इसकी छूट दी जाएगी, तब से लेकर हमने 10 बजे के बाद हमारे कार्यक्रम बंद कर दिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हिंदू समाज करता है तो देश के सभी समाजों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। और अगर कोई करता नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार
उनके ऊपर कार्रवाई करें। आता किरीट सोमय्यांच्या संदर्भात तर ते झेड प्रोटेक्टिव्ह आहेत आणि म्हणून आज आमचे एक डेलिगेशन होम सेक्रेटरीना भेटलाय। मी स्वतः होम सेक्रेटरीना पत्र दिलाय, कारण केंद्र सरकारने ज्यांना सुरक्षा पुरवली आहे त्यांना जर पोलिसांच्या संरक्षणात मारहाण होत असेल तर कारवाई करण्याची जबाबदारी ही त्यांची आहे। त्यामुळे मला विश्वास आहे की होम सेक्रेटरी याची दखल घेऊन जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई करतील। गोपीचंद पडळकरांवर हल्ला झाला त्याही वेळी कारवाई करण्यात आली नाही, त्यांना जीव मारण्याचा प्रयत्न झाला त्याच्यावरही कारवाई नाही आहे। त्यामुळे एकूणच जी काही या ठिकाणी ही सगळी परिस्थिती आहे ही सरकारच्या संरक्षणात चाललेली आहे हे स्पष्ट दिसतं।